प्रॉपर माला पूजन हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है भाई साहब। महाराणा प्रताप जी को माला चढ़ाई जा रही है दिवाली पर। थोड़ा ट्रैफिक और क्रिएट हो रहा है वहाँ। बाकी दुकानें इधर की सारी बंद पड़ी हैं, बस एक साइड से इधर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लाइन से चल रही हैं। हम भी बस जा रहे हैं धीरे धीरे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैं जो कह रहा था, बाइक जो चोरी होगी ना, उसका थोड़ा सा है दिमाग में। अब यार अभी प्लान ऐसा कुछ था नहीं कि बाइक लें ये लें। अब वो जो चोरी होगी उसके चक्कर में अब हमारे को एक दूसरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल वगैरह जाना पड़ता है और भी एक ही टाइम पे दो दो काम होते हैं। पुराने टाइम में तो यार एक बाइक से एक साइकिल से भी काम हो जा रहा था, पर अभी के टाइम में पता नहीं क्या हो गया भाई। हर बंदे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में ना एक फास्टनेस आ चुकी है, यानी कि हर काम फास्ट फास्ट करना है। बंदे के पास अब 10 तरह के काम है, पहले कोई काम नहीं था तो बंदा पैदल जा रहा था, आज बाइक है कार है तो बंदे को फटाफट सारे काम करने हैं और फटाफट काम करके फिर निपटाने हैं। तो बस आज का दिन ऐसे ही निकल गया। बाकी गाड़ी आपको एंड में दिखाऊंगा कि भाई कैसी फिनिशिंग आई है, क्या ग्लोसी फिनिश आई है उसमें। क्लियर कोट भी भाई ने लगाया है, नॉर्मल पेंट नहीं किया। क्लियर कोट भी दो बार लगाया है, एक बार लगाया था फिर थोड़ा सा कम से कम एक मिनट का ब्रेक दिया, ज़्यादा ब्रेक नहीं दिया, जल्दी में ही किया काम। सभी को जल्दी थी, उसको भी जल्दी थी, पर काम उसी के हाथ में था तो मेरी भी जल्दी इसी कारण से थी। तो ये आप देख लो साइड में, यहाँ पर शॉपिंग के लिए चल रहा है, यहाँ पे 99 रुपये के सनग्लासेस। यहाँ पर नर्सरी है, पौधे खरीदो बैनर वगैरह लग रहे हैं। तो गाइज आगे आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी आज धूप बहुत बढ़िया है, मौसम मिक्स है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, पर कार में तो फिर भी एसी चलाना ही पड़ता है। चलिए आगे आपको मिलवाते हैं। ये अपना यमुनानगर शहर है, अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो सोच रहा होगा कि कौन से शहर से है, तो भाई यमुनानगर ये हरियाणा है। तो चलिए बताते हैं आपको थोड़ा आगे। नीचे से लो, नीचे से हाथ लो, यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ नीचे हाथ लगाओ, गर्दन के पास, गर्दन के पास। बस बस बस, सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर। वो भी यहाँ पर ये लेटी हुई है, बेल्ट वगैरह लगा दी है, तो हमारे को डिस्चार्ज कर दिया। दो दिन रखा है हॉस्पिटल के अंदर 48 घंटे। लगभग 1 बजे के आसपास ही डिलीवरी हुई थी और 2 दिन रखा। बोर्ड पे भी उन्होंने लिखा हुआ था कि 1.5 दिन के लिए, मतलब 48 घंटे। हाँ वो 3 दिन ही बन जाते हैं ऐसे गिनोगे। हाँ, तो सबसे पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन आ जाए। दिवांशी भी 2 दिन अकेली रही है ना? नहीं 3 दिन। हाँ आज तीसरा दिन, तो हम आपके पास ही आ गए। चलो अब घर चलते हैं फिर, और देखते हैं क्या इंतजाम किए हुए हैं। मेरी मासी भी है घर पे। ओहो अच्छा जी, आज दिवाली है और अब चुप हो जाओ। हमारे हरियाणा में तो आज ही दिवाली मना रहे हैं, बाकी उत्तराखंड में मुंबई में कल दिवाली है। तो अभी देखो देखने।
इधर दीवानसी वंसी एक अकेले की टिक्का लगा के अच्छे अच्छे रखते हैं गाड़ी में पड़ा होगा इसके पैर छुपवाऊंगी तो फिर पैर में डायपर डायपर दिखेगा इसका निकाल पैंट पैर हटा दो ना जा किस चीज में रखा हुआ थैले में बड़े वाले एक मिनट लो लो क्या इसके पैर छाप दो इधर से इधर छाप दो दीवार पे इसका हल्का से इसके लगाओ लगाएगी वो चल आगे चल यहां से चाह रही हूं निकाल रही तुम कैसे झुकोगे की लाने लगी वो पजामे हैं पजामे लाके पजामे पहनाएगी कोई नहीं किसमें पड़ा हुआ इसको थोड़ी देर में दिखा देगी किससे मैं हां यही पहना दूं कपड़े उठा लो कपड़े उठाओ कपड़े इसके इसके भी बच्चे के भी पहले चेक अरे टोपी गिर गई उसकी टोपी चलो जी अरे अरे ठंडा लगा उसको बस रंग ठंडा लगा भी हाथ भी कोई बात नहीं हाथ का तो बाद में लगवा लेंगे है ना अब आप भी प्लेट में किक करके पैर अच्छे से छप गया होगा ना चलो पैर से लग लिया आराम से चलो अब इसके बाद तो जैसे मर्जी ले चलो चलो पहले उसको छापो इसके बाद चलो दीवानशी के भी पैर छपवा दो उस पे भी उसमें छापो एक मिनट इसका पैर एक पैर नीचे रख दिया उसने पकड़ के रख पकड़ना यस चलो एक तो सही छापा वही खड़े रहना प्लेट ही लिया मुझे वही खड़े रहना टेढ़ा मेढ़ा मत छापना एक ही जगह रखना और बस उसके बाद नीचे रख लेना ठीक है छोड़ दे अपने आप से सर जाएगा बस आ जाओ धीरे धीरे यहीं खड़े रहो खड़े रहो आएंगे बस नीचे आ जाओ सीधा उसके बाद नीचे नीचे पैर भी चलो अरे बहुत पड़े पड़ते थे बस उठा लो चाहे मां मां उसके पैर ना आगे भी छपवा दो छोटे वाली का आगे भी छापो नीचे मत रखो लग जाएगा फिर ऊपर अंदर चलो मम्मी थाना हाथ में यहाँ चिपका दो फिर हाथ अगर दोनों दोनों अपने हाथ पकड़ के इसमें ऐसे टच कर दो इसमें नहीं ठीक है यार कहीं भी छापना है पैर में बहुत ठंड लगा था किसे खाली है अरे फिर दोनों पैर छपवाने पड़ेंगे दोनों ही बेटी इसको भी मैं टेढ़ा मेढ़ा कर रही हूँ कप रही है वो दीदी का नहीं छपवाना किसी चीज में नहीं छपवाने वाले तेरी तो मैं छाप भी दिया क्या नहीं छाप मंदिर में छपो ठंडा लग रहा है इसको छठी वाले दिन छपवा लेते ना फिर एक ही हाथ छपो वो लगा लिया उधर मैं मुंह में खुलेगा ही नहीं हाथ इसका खोलो 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 अभी नहीं छट्टी खोलो खोलो टाइट हो गया बोर भी वो चलो अगर अपने आप कर देगी वो अपने आप बस तुम खींचो मत अपने आप करेगी वो चल मुट्ठी वाला हाथ लगाओ दबा तो अब ना दबाती हाथ है देख खोला था उसने तो सारा साफ चलो चलो हो गया जो छपा ठीक है चलो छप गया
लाके से चीज में पूछे इसका हाथ सारा। ये देखो बंदरी बन गई हो, ये छठी वाली बन गया मुँह इसका। पानी धुलवा धुलवा दे हाथ। हाँ धुलवा फटाफट, इसको वो उससे साफ करना पड़ेगा। तू अपने हाथ करना दादा। चलो अभी वो बिना नहाए अंदर भी नहीं आ रहा था हॉस्पिटल में, सीधा यहाँ आया ना। नींद आ गया। कैमरा आते रुक गई देख। करो एक्शन चालू रखो। देखियो अब थक गई लग रहा, पुछड़ पुछड़ मार के। सो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।